नमस्कार, जय भी, मेरा नाम अंगल जी, तो आप देख रहे हैं बहुजन एक्सप्रेस। आज आप लोगों को पांच फिल्में का नाम बताने जा रहा हूं, जो शायद आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के माध्यम से ऐसी पांच फिल्में देखेंगे जिसमें अंधविश्वास पखंडवाद का विरोध किया जा रहा है, और अंधविश्वास पखंडवाद कैसे लोगों पर थोपा जाता है ये फिल्में साबित कर देगी। और जब ये फिल्में आप देख लेंगे तो आप अंधविश्वास पखंडवाद को मानना छोड़ देंगे। इसके बाद में जो बाबाएँ होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, जो बलात्कारी होते हैं, ऐसे ऐसे लोग बाबा बन जाते हैं, और बाबा बनकर बड़ा महाशक्ति हो जाती हैं। महाशक्ति बनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों का जो ज़मीन है उसे हड़पते हैं, और लोगों के दिमाग में ऐसी मानसिकता भर देते हैं, ऐसी बातें भर देते हैं जिसके कारण वो अंधभक्ति में पागल हो जाती हैं, और ये अपना धर्म के नाम पर धंधा चलाने लगते हैं। यही नहीं, इनके पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो बड़े बड़े हस्ती होते हैं, पीएम से लेकर सीएम तक, एक्टर से लेकर अभिनेत्री तक, मैंने बहुत सारे लोग इनके पास आते हैं। तो ऐसे ही आप लोग पांच फिल्में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे तो इस बात को समझ जाएंगे। तो पहला फिल्म है आश्रम। आश्रम जो फिल्म है, वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है। इस वेब सीरीज में बॉबी देओल रोल निभा रहे हैं। इसके बावजूद और भी अदर बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिसके माध्यम से समझाया जा रहा है कि जो जैसे राम रहीम हैं, जो आसाराम हैं, ऐसे लोग धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर लोगों को उल्लू बनाते हैं, आस्था के नाम पर उल्लू बनाते हैं और उनका जेब खाली करते हैं, और सबसे बड़ा ये बलात्कारी होते हैं। ये आश्रम जब आप फिल्म देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो आश्रम में आश्रम 1, 2, 3 यानी 3 एपिसोड अब तक आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज है, आप लोग इस सीरीज को देखिए। दूसरा फिल्म आता है चल गुरु हो जा शुरू। इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि जो संजय मिश्रा जी हैं, चंद्र चूर जी हैं, बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। इसमें ऐसा ही दिखाया गया है कि जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो बाबा बन जाती हैं, जब उनके पास रोजगार नहीं होता है, उनको सर छुपाने की जगह नहीं होती है, तो लोग ढोंग करने लगते हैं और दूसरों का टू कॉपी करके ये लोग बड़े आदमी बन जाते हैं। और लेकिन ऐसा होता है कि सत्यानाश कहा जाता है कि विनाश का ले विपरीत बुद्धि, तो आज नहीं तो कल जब आप लोगों का सच्चाई जब पता चली जाएगा तो विनाश होगा ही। ऐसे भी इन लोगों का भी विनाश होता ही है। इसके बाद में एक फिल्म है पीके, आप लोगों ने नाम सुना होगा पीके का, जो आमिर खान जी का है। इसमें सुशांत सिंह राजपूत जैसे और अनुष्का शर्मा जैसे लोग इसमें रोल अदा किए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है, आप लोग ने तो खुद ही इस फिल्म को देखा होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ये जो फिल्म है विश्वास पखंडवाद, जो धर्म के नाम पर राजनीति होती है, हिंदू या मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, धर्म सिर्फ धंधा है, इसमें लोग पढ़े लिखे भी अंधे हो जाते हैं। इसके माध्यम से सारी बातें बताया गया है, गॉड को लेकर, भगवान को लेकर, कि ये सब फालतू चीज़ें, ये सब कोई नहीं है, जो है तो इंसानियत है। इसके बाद में एक और फिल्म है जिसका नाम है ग्लोबल बाबा। ग्लोबल बाबा में आप लोग देखेंगे कि पंकज त्रिपाठी जी हैं, बहुत अच्छा अभिनय करते हैं और बहुत ही इसमें सरलतापूर्वक वो अभिनय किए हैं। उसके बाद में उसमें हैं संजय मिश्रा जी भी, वो भी ज़बरदस्त, कहिए मत। अब आप नाम ही सुन लीजिए ग्लोबल बाबा, कैसा होगा फिल्म, तो ये ज़बरदस्त है। इसमें रॉबी किशन जी हैं जो बीजेपी के सांसद हैं वर्तमान, और वो भी इस फिल्म में एक्टिंग किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। ये भी ऐसा ही फिल्म है, जो अपराधी लोग हैं वो इसमें आ जाते हैं और बाबा बन जाते हैं, उनके साथ सीएम पीएम का समर्थन भी मिल जाता है, और लोगों का ज़मीन हड़प लेते हैं। भांडा फूटने के बाद जो होता है, जो आसाराम का हुआ है, वो इनके साथ भी होता है। पांचवा फिल्म आता है ओ माय गॉड। ये फिल्म जो है बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। इस फिल्म में अभिनय की हैं परेश रावल, अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, इनके जैसे बहुत बहुत अच्छे अच्छे एक्टर इस फिल्म में एक्टिंग किए हैं, और अंधविश्वास पखंडवाद का विरोध किए हैं कि कैसे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर आस्था के नाम पर लोगों को मारते हैं, लोगों के साथ अन्याय करते हैं और दूध बहवा देती हैं। बहुत सारी इस फिल्म में तर्क होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। आप लोग इस फिल्म को देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारे जो देश में पखंडवाद अंधविश्वास चल रहा है वो कैसे चल रहा है। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय भीम।